नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। वर्ल्ड कप 2023 के शुरू होने में अब 2 से 2.5 महीने का समय शेष रह गया है और सभी टीमें अपने अपने विनिंग कॉम्बिनेशन और अपने अपने बेहतरीन 15 के स्क्वाड को चुनने में लगी हुई हैं। भारतीय टीम फिलहाल वेस्ट इंडीज दौरे पर है और टेस्ट सीरीज खेल रही है। इसके बाद वनडे सीरीज की बारी आएगी और भारत के जो अनफिट खिलाड़ी हैं उनको लेकर भी तमाम तरीके की अपडेट्स सामने आ रही हैं। ऐसे में हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए वो 15 खिलाड़ी बताए हैं जो टीम इंडिया को विश्व कप जिता सकते हैं। एमएस धोनी उन कप्तानों में से एक रहे हैं जिनके पास, बल्कि ये कहेंगे इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनके पास आईसीसी की सभी ट्रॉफीज हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को काफी कुछ दिया है। ऐसे में उनकी राय में कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट का एक अलग तस्वीर पेश कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व विश्व कप 2023 में कर सकते हैं। धोनी के मुताबिक रोहित शर्मा टीम के कप्तान रहेंगे, रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल इस टीम का हिस्सा होंगे, विराट कोहली इस टीम का हिस्सा होंगे, इसके बाद श्रेयस अय्यर अगर फिट होते हैं तो वो टीम का हिस्सा होने चाहिए, अगर वो फिट नहीं होते हैं तो फिर आप किसी दूसरे खिलाड़ी को ले सकते हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी एमएस धोनी ने अपनी टीम में जोड़ा है। उनका ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सूर्य कुमार यादव एक एक्स फैक्टर प्लेयर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ईशान किशन को भी अपनी टीम में रखा है। उनका साफ कहना था कि ईशान किशन एक एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैटर है, प्लस लेफ्ट हैंडेड बैटर है, तो उन्हें टीम में रखना ही पड़ेगा। साथ ही एमएस धोनी ने साफ कहा कि हार्दिक पांड्या भी इस टीम का हिस्सा होने चाहिए क्योंकि वो भारतीय टीम के इकलौते एक बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो भारत के उपकप्तान भी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम में रखा है संजू सैमसन को। उनका कहना था कि वो केएल राहुल की फिटनेस के लिए श्योर नहीं है, लेकिन संजू सैमसन भारत को एक अच्छे मिडिल ऑर्डर में रन्स बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर सकते हैं अगर फिट हो जाते हैं तो। मोहम्मद सिराज इस टीम का हिस्सा होंगे, मोहम्मद शमी इस टीम का हिस्सा होंगे, इसके अलावा अक्षर पटेल इस टीम का हिस्सा होंगे, रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा होंगे, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को भी धोनी ने अपनी टीम में रखा है, और इसके अलावा उन्होंने इस टीम में रखा है अर्शदीप सिंह को। हालांकि अर्शदीप सिंह फिलहाल एशियन गेम्स के लिए उनका नाम सामने आया है, यानी कि वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो अर्शदीप सिंह भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो एमएस धोनी के मुताबिक ये 15 खिलाड़ी हैं जो भारत को वर्ल्ड कप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखना होगा कि क्या बीसीसीआई एमएस धोनी की राय से इत्तफाक रखती है या नहीं। इक्का दुक्का चेंजेस हो सकते हैं, वरना लग तो ऐसा ही रहा है कि टीम शायद यही होनी चाहिए। आपकी क्या राय है विश्व कप 2023 की टीम को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एलपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।